अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। ओपन योर ओआरसी बुक, पेज नंबर 96, स्टोरी 13, पिकनिक टाइम। इन दिस स्टोरी वी विल रीड अबाउट पिकनिक एंड सम एक्टिविटीज दैट आर डन इन पिकनिक। सो कैन यू सी दिस दीज चिल्ड्रेन, दे आर रनिंग एंड ही इज़ वॉचिंग एट दिस गर्ल एंड दिस गर्ल इज स्विमिंग एंड दे ब्रिंग सम फूड फॉर ईट एंड शी इज़ रीडिंग अ बुक एंड ही इज़ ड्रिंकिंग टी। सो दे आर हैविंग फन एट पिकनिक। सो लेट्स रीड द पोएम अबाउट पिकनिक। पिकनिक टाइम इज हेयर अगेन, इट्स टाइम टू हैव सम फन, इट्स टाइम फॉर चम्स टुगेदर टू डांस टू स्किप एंड रन to a time to lie in meadows green or get drenched in a brook, time to sip some warming tea and read a story book. Dear students, underline these words on book page 96. Chums means friends, meadows means green land. Okay, here is the meaning of these words. Here are the words synonyms. Meadows means fields, beautiful green fields. Drenched means to wet in water. Okay, and brook means a small water stream. Dear students, chum means दोस्तों के खेलने का time है. Picnic जो है दोस्तों के साथ खेलने का time है. मीडोज मतलब हरा भरा सब्जा, हरियाली। ड्रेंच्ड मतलब पानी में खेलना या पानी में तैरना, मतलब हम ऐसे नहीं होते पानी में उतर जाते हैं और पाँव को भिगो लेते हैं और पानी में मस्ती करते हैं, उसको ड्रेंच। ब्रोक मतलब एक छोटी सी नहर, खूबसूरत सी। इस पोएम में जो पोएट है वो कह रहा है कि पिकनिक बहुत फन होता है पिकनिक में, और हम सब लोग वहाँ पे बहुत इन्जॉय करते हैं और वहाँ पे हम तैरते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और गरम गरम चाय के सिप लेते हैं और रनिंग करते हैं और एक दूसरे के साथ चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, और पिकनिक में हम सबको बहुत मज़ा आता है। नाउ कम टू द बुक पेज 97, टाइम टू वॉच द पासिंग क्लाउड्स फ्लोटिंग सडनली बाय, टाइम फॉर जोक्स एंड टाइम फॉर चैट, नो टाइम टू फाइट और क्राई, टाइम एट डस्क फॉर फीदरिंग फ्रेंड्स टू शेयर अ डेली ब्रेड, टाइम टू वेंड योर वे बैक होम टू ड्रीम इन योर वार्म बेड। इन दीज लाइन्स पोएट सेज दिस इज टाइम for watching clouds in the sky. They look very beautiful and they float over the sky peacefully, and this is time for making joke or chatting with friends, and there is no time for fight or crying, and this is time for share our daily routine with our bird friends that are telling us some beautiful songs. We must share our stories with them. Now it's time to go back to home and time to sleep in our bed and dream for a good picnic again. तो ये यहाँ पे कह रहा है कि फ्लोटिंग सैरली मतलब पीसफुली आसमान में आराम से तैरते हुए बादल, चलो उन बादलों को देखते हैं जो आसमान में आराम से तैर रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं। और ये वक्त है अपने दोस्तों के साथ हंसी मज़ाक करने का, और ये वक्त नहीं है लड़ने और रोने का, और ये वक्त है अपने जो बर्ड्स हैं फीदर फ्रेंड्स मतलब बर्ड्स, उनके साथ बातें करने का, उनके साथ अपने बातें और अपनी कहानियाँ शेयर करने का। और चलो अब टाइम हो गया है घर जाने का, और हम अपने बेड में जाके सोते हैं और दोबारा ख्वाब देखते हैं, और हम ख्वाब देखते हैं कि हम एक नई पिकनिक पे जा रहे हैं, और अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय कॉलिन एश। Dear students, underline these words: floating, suddenly, feather friends, chat, when or warm. Warm means very hot or not cold. When means to move on a route. Feather friends means bird. Chat means talking in a friendly way. Suddenly means peacefully. You can see synonyms here. Suddenly synonym calmly, quietly and peacefully. You can use one synonym peacefully. Feather friends means birds. When to go along a route. Now come to the book page number 99 and exercise C.
In section C, exercise 2, which words or phrases in the poem describe the following? Now we have four words, clouds, meadows, tea and birds. डियर स्टूडेंट्स, अब हमें ये देखना है कि इनके साथ कौन से फ्रेजेस आए हैं. अब क्लाउड्स कहाँ यूज़ हुआ है, चलिए बुक पेज नंबर 97 में देखते हैं. टू वॉच द पासिंग क्लाउड्स, अब ये सेंटेंस आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है. ओके, अब बर्ड्स कहाँ है, फीदर फ्रेंड्स, अंडरलाइन फीदर फ्रेंड्स. अब आपने यहाँ पे ए लिखना है, आपने यहाँ पे ए लिखना है और यहाँ पे बी लिखना है, ठीक है. इसी तरह आपको ये एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करनी है. दो मैंने आपको करके दिखाया, अब दो आपको करने हैं. मीडोज़ के साथ कौन सा फ्रेज है और टी के साथ कौन सा फ्रेज है, उसको अंडरलाइन करके सी और डी लिखना है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 3, विच वर्ड्स इन द पोएम आर यूज फॉर द फॉलोइंग, देयर मे बी मोर देन वन. नाउ वी ऑल्सो हैव फोर वर्ड्स. टॉकिंग इन अ फ्रेंडली वे मीन्स चैटिंग, एंड पल्स, पल्स मीन्स फ्रेंड्स. अच्छा, पल्स की मीनिंग है फ्रेंड. इस तरह इन वर्ड की क्या मीनिंग है, नॉट कोल्ड मतलब वार्म, मूविंग लॉन्ग मतलब वैन, टॉकिंग इन अ फ्रेंडली वे, दीज आर मोर मीनिंग्स. नाउ यू हैव टू राइट द वर्ड सिमिलर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द पोएम अलोंग देम. आपको इनके साथ वो वर्ड्स लिखने हैं जो पोएम में भी यूज़ हुए हैं और इनके साथ मैच कर रहे हैं, वो वर्ड्स आपको इनके साथ लिखने. ये आपका होमवर्क है. एक्सरसाइज 2 और 3 आपको कंप्लीट करनी है. बुक पेज 99 पे आपको स्टोरी अच्छे से पढ़िए और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, ठीक है. ओके, अल्लाह हाफिज़.